नमस्कार। साहित्य जीवन की कला है, शिक्षा के साथ उनका गहरा नाता है। साहित्य और शिक्षा दोनों जीने की राह हमें दिखाती है। मानव मूल्यों को जिंदा रखने के लिए दोनों की अहम भूमिका है, इसलिए दोनों का हमारे जीवन में अनुबंध रहा है। हर माह की आखिर में शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिका कोई ना कोई पुस्तक को पढ़कर पुस्तक संवाद के रूप में पेश करते हैं। इस तरह आज तक ये श्रृंखला हमारी पाठशाला में चली आई है और चल रही है, जिसमें आप इस माह 190वां पुस्तक संवाद सुनेंगे। पिछले माह हमने गुजराती साहित्य के जाने माने लेखक भूपत वडोदरिया की उपन्यास पंखीनो माड़ो ऊपर पुस्तक संवाद सुना। इस माह 30 अप्रैल को गुजराती साहित्य की जानी मानी लेखिका कवयित्री डॉक्टर पन्ना त्रिवेदी का कविता संग्रह पंख में बारिश ऊपर जम्मू कश्मीर के जाने माने शिक्षणविद श्री अग्नि शेखर जी को वक्ता के रूप में सुनेंगे और दूसरे वक्ता सीमा संसार, जो बिहार के शिक्षा अध्यापिका जी हैं, वो भी पंख में बारिश के बारे में बात करेंगे। पन्ना त्रिवेदी की कविताएं असहाय लोगों की चीखें सुनकर लुत्फ उठाने वाले ताकतवर लोगों को ही नहीं बल्कि भगवान को भी कठघरे में खड़ा करती है, क्योंकि एक जिंदगी में 100 मोते मरकर भी उसे सत्ता की अष्टभुजाओं से कहीं अधिक विश्वास अपने निहत्थे हाथों पर है। ये वो मुक्तिकामी हाथ है जिन्हें कोई सत्ता प्रतिष्ठान खरीद नहीं सकता। कविताओं में प्रतीक, रूपक, बिंब विधान एवं उपमाएं व तुलनाएं सहज ही कविता के पाठक को ध्यान आकर्षित करती है। इसे अनुभूत करने के लिए आपको पाठशाला के YouTube चैनल पर 30 अप्रैल सुबह 11:30 बजे लाइव सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।